बस कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा ड्राइवर बंदा तगड़ी गाड़ी चलाता है भाई। हाँ, देखते ही देखते इतने सारे मोमोज आ गए। हेलो दोस्तों, तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट करने वाला है एक स्पेशल पर्सन, पर्सन नहीं है एक स्पेशल सोल है, वो है ये। हेलो, इनसे ये आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो सबको भाई हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये अपनी भाषा में आपको इसलिए ने गुड मॉर्निंग बोल दिया है, और सबसे हाथ भी मिला ले, हेलो कर दे सबको ये। तो देखो भाई, इसने हेलो भी कर दिया तो आज से अब व्लॉग ये स्टार्ट करेगा। हाँ गाइस, मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये ना काम धंधा इसको है नहीं, और मेरा को मन करता रहता है, मेरे को भी कैमरे में आना है, मेरे को भी पेमेंट होना है, इसलिए अब से मैं व्लॉग स्टार्ट किया करूँगा। और आप व्लॉग मेरा रोज़ देखा करो, क्योंकि मैं हैंडसम बॉय हूँ, जो कि इसकी एक क्लास फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। और आज का दिन जो भी होगा आपको दिखाएंगे, फिलहाल इसको थोड़ा देर घुमा दिया है और अभी चलते हैं घर। और आप रोज़ रोज़ इसको ही क्या ही देखोगे, मतलब सवेरे हर सुबह यही स्टार्टिंग होती है। और यार सुबह जाता हूँ ना, इसको ही रखता हूँ सब साथ में, तभी एकदम रिलैक्स फील होता है और एक मतलब फ्री लगता है, मतलब हाँ कि अकेले में पन। और बाकी सब घर वर ऑफिस तो थोड़ा एक वो रहता है, कंजेस्टेड टाइप का रहता है, फिर उस टाइप का मूड नहीं बन पाता मतलब स्टार्ट करने के लिए। और सुबह सुबह मतलब व्लॉग स्टार्ट करने में एकदम फ्रेश माइंड चाहिए होता है, तो मुझे हाँ इस जगह पे आके मिलता है। ये देखो पूरी जगह खाली है, पूरी जहाँ तक आप देख रहे हो ये पूरी जगह खाली है, और ऐसा लगता है सुबह सुबह बस इधर ही रहो आधा एक घंटा इधर। रोज़ मतलब मैं एक्सपेंड करता हूँ अपना, फिर इधर से जाता हूँ गूगल को लेके अपने घर, फिर उसको बांधते हैं, फिर उसके बाद तैयार होते हैं, फिर ऑफिस चलते हैं, और आगे का जो भी सीन रहेगा आपको दिखाता हूँ व्लॉग में, बने रहिए। तो फिलहाल दोस्तों ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करके फिर आज भी निकल चुके हैं अपन, थोड़ा बहुत सामान लेने, और चिप्स वगैरह भी खाने का मन कर रहा है, धो भी ले जा रहे हैं भाई, बहुत तेज़ धूप हो रही है, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। अरे पीयूष भैया हमारे हैवी ड्राइवर बंदा तगड़ी गाड़ी चलाता है भाई, आराम से लेफ्ट। हाँ तो फिलहाल दोस्तों ऑफिस के काम से थोड़ा सा बाहर आया था, और यहाँ पर बाहर आते आते मेरी नज़र पड़ गई इस पे, ये है हस्की रॉयल, मतलब एक बोल सकते हैं शाही ब्रीड है, मतलब नॉर्मल देखने को नहीं मिलते। और ये देखो कितना प्यार से यहाँ पर अभी ग्रूमिंग करवा रहे हैं इसकी, एक गाइस देखो ब्लू रहती है, एक गाइस ब्राउन रहती है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। और अंदर भी केज के अंदर देखो दो दो हस्की घूम रहे हैं, ये देखिए ये एक ब्राउन कलर में, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, ब्राउन ही बोलते हैं। और इस वाले वाइट वाले हस्की की भी ना दोनों आईज ब्लूज है, मतलब आपको अच्छे से ध्यान से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस इसकी दोनों आंखें ब्लू है, क्या ही लग रहा है भाई तवा ये। बस ये थोड़ा दुबला पतला है और ये थोड़ा लेजी है, लेकिन ये सबसे मस्त है, ये सबसे प्यारा लग रहा है, ये देखिए। आप उससे पहले कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब मैं सोचा कि बहुत टाइम से इसको ग्रूमिंग कर रहे हो आप, क्या ही डॉग है यार, मतलब पूरी भेड़िया लग रहा है अब, वाह जी वाह। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फिश है एक्वेरियम वाली, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, इसको खुद नहीं पता होगा अपना नाम, कोई नाम बताए इसका, कुछ कोई परिवार वाले थे इसको छोड़ के गए, ग्रूमिंग करके रख दो बस, कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा तो फिलहाल दोस्तों बारिश तेज हो गई, रास्ते में अटक गए, पेट्रोल डलवा रहे थे, इन लोग के स्कैन के चक्कर में, या फिर सर्वर नहीं था इस चक्कर में अटक गए, बारिश जैसी बंद होगी तो घर पहुँचेंगे, और घर जाने के लिए वैसे ही और ज़्यादा लेट हो गए हैं। बारिश तो ये रही ना भाई, बारिश दिख रही है उनको, समझ आ जाता है हमारे गाइस इतने इंटेलिजेंट है, समझ नहीं आता, समझ आ जाता है, ठीक है गाइस अब से मिलता हूँ घर चलने के बाद। तो गाइस अभी बारिश में अटके हुए, तो सोचा बैठे बैठे आपको पेट्रोल पंप ही दिखा दूँ, ये देख। तो फिलहाल दोस्तों पानी फिर से तेज हो गया, पीछे देख सकते हो तेज हो गया, और अपन लोग आ गए हैं दीक्षिता और हम लोग सब मिलके मोमोज खाने, मतलब जैसी पानी थी जो शर्ट में नीचे है, और इन लोगों को सामने दिख गया मोमोज का स्टॉल, तो फिलहाल अभी मोमोज खाते हैं, और यहाँ भैया स्टीम वाले मोमोज बना रहे हैं। तो यहाँ पर मोमोज आ गए हैं, कैसा लग रहा है, ये
तो यहाँ देखते ही देखते इतने सारे मोमोज आ गए, फ्राइड वाला और ये थोड़ा बहुत हम लोग मिक्स करके खा रहे हैं, जो सा जिसके हाथ में आ जाए खा लो। ये सबसे ज़्यादा खा रही है ये लड़की। दोस्तों रात को क्या है ना कि मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गया था और रात में ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, इसलिए फिर उठने की हिम्मत ही नहीं, जैसे ही घर आया उस पर सो ही गया था और अभी सुबह हो गई है दोबारा से। तो अब मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड कर लिया जाए, लेकिन इसको थोड़ा बहुत अभी खाना दे देते हैं और उसके बाद इसको लेकर चलते हैं थोड़ी देर में बाहर। ये कैसा उतावला हो रहा है खाने के लिए, हर बार जाओ हर बार ऐसे स्वागत करते हैं। आप भी आ सकते हो इससे मिलने पर आपको एड्रेस नहीं पता। कोई नहीं गाइस, बता दिया जाएगा एड्रेस। बहुत सारे लोग यहाँ के जो लोकल हैं वो जानते ही होंगे, लेकिन जो बाहर के हैं वो अगर कभी मिलना भी इन फ्यूचर चाहे तो उनके लिए एक पर्सनली एक जगह बनाऊंगा जहाँ पर हम सब लोग बैठ के मिल सकेंगे, आराम से बातें कर सकेंगे। चलें, रेडी हो गया जाने के लिए। तो ठीक है अगला, तो ठीक है गाइस, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो थोड़ा शॉर्ट है मैं जान रहा हूँ, लेकिन गाइस क्या करूँ मैं शूट ही नहीं कर पाया, तबीयत खराब हो जाती काम भाई, एंड करने दे। तो वो भी बोलना चाह रहा है मेरे को भाई, उसको भी एंड करना ना ब्लॉग को। तो फिलहाल यहाँ पर ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आई होप गाइस ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सॉरी गाइस, इतना यार ग्लिच हो रहा है आजकल बातों में करने में भी, क्या करो यार, उसके लिए सॉरी है गाइस। ठीक है बाय। ये देखिए और बेचारे कितने देर हो गई आपको करते हुए, कम से कम एक मिनट हो रहा होगा। कितना? एक मिनट। आप उससे पहले कुछ नहीं कर रहे थे? मतलब मैं सोचा कि बहुत टाइम से इसको ग्रूमिंग कर रहे हो आप।